डर ही गए थे और डुगू भी बहुत ज्यादा डर गई थी। फिर हम सोचे इतना घर में सांप कैसे आ सकता है, क्योंकि हम लोग तीसरे फ्लोर पे। क्या है डुगू? भागो भागो जी, यही काम करते हैं, बगल में झाड़ू लगा रहे हैं, हम सब चीज को नहीं देखते हैं। हटाइए जल्दी घर, आप निकाले क्या वैसे आपको डराने के लिए? भागो डुगू, आप लगा। हर हर महादेव दोस्तों, जय श्री राम। कैसे आप सब? उम्मीद करते आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। हम भी बहुत अच्छे हैं, पर उतना भी अच्छे नहीं है जैसा हम वीडियो में बोल रहे हैं। तो अभी देखिए पीछे डुगू फ्रॉक पहन के तैयार हुई है, क्योंकि उसको डांस करना है और डांस का इतना ज़्यादा शौक है क्या बताएं। आज बाहर का मौसम दिखा है तो इतनी ज़्यादा मतलब हवा बह रही है, इतनी ज़्यादा हवा बह रही है ना क्या बताएंगे। आज तो लग रहा था ना कि कहीं से कुछ होने वाला है, एकदम जितना भी वो कहता है ना टीना वगैरह से होता है सब ढन 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 ढन, नींद भी नहीं आ रही थी दिन में। तो अभी हम जगे हैं, जगने के बाद फिर से नहाए हैं। वो इसलिए नहाया क्योंकि पूरे रूम में धूल और धूल पड़ गया, और अब हम लोग इस रूम में सोते हैं तो देख सकते हैं यहाँ पर अभी बेड भी रहता है तो वो भी उड़ जाता है। और दरवाज़ा का तो बात ही मत पूछे, दरवाज़ा इतना फट फट उठता है ना कि डर से मन करता है ना भाग के कहीं कोने में दुबक जाए। और ऐसा सबके साथ होता है, और हर साल होता है, ऐसा नहीं है कि हर साल ऐसा ही आंधी तूफान आता है, पूरे दिन हवा बहते रहता है। और मेरा तो क्या बताएं, कपड़ा सब भी उड़ जाता है बाहर। अगर दिखाए तो देखिए वहाँ पे वो वाला, वहाँ पे देख सकते हैं डुगू का एक कपड़ा उड़ करके उस पर गया हुआ है। देखिए वहाँ पे दिख रहा होगा रेड कलर डुगू का टी शर्ट, जो कि बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, एक साल से पहन रही थी बट क्या बताएं उड़ के अब चल गया। तो अभी इधर देखिए हस्बैंड जी बेड लगा रहा है, और इसको काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है, इसीलिए हम वीडियो में इसको बोलने के लिए कुछ नहीं बोलते हैं। और अगर डुगू को दिखाए तो देखिए डुगू क्या कर रही है, क्या कर रही है डुगू, पूरे दिन ये स्कूल जाते रहती है। देखिए आजकल इसका पेट खराब हो गया ना, इसलिए इनको थोड़ी सी तबीयत डाउन लग रही है। देखिए बाल भी खुल गया इसका, और ये वाला रूम में कम रहते हैं तो अब थोड़ा सा बेड इसमें अच्छा रहता है। और अभी दोपहर का समय है, दोपहर को नहीं 4 बज गए हैं, और देखिए धूप ही धूप आता है खिड़की के पास से, क्योंकि धूप इतना ज़्यादा है ना, देख सकते हैं आप उसमें कितना ज़्यादा धूप है, बहुत ज़्यादा धूप है, जबकि 4:30 बज गए हैं। इसी तरह देखिए हमारे घर में दूध आ गया है, तो अभी हम जा रहे हैं इसको गर्म करेंगे, क्योंकि अब तो गर्मी है। और परसों भी हमारा दूध फट गया था जो मार्केट से लाए थे, और दूध लाने के तुरंत बाद गर्म कर देना चाहिए। और इसको देखिए यहाँ पे एक नल है, ए बंद करो, देखिए यहाँ पर टंकी चालू कर रहे हैं। तो अभी चलिए फटाफट पहले दूध गर्म कर लेते हैं। अभी हम किचन में हैं, और एक अच्छा सा दृश्य दिखाते हैं जो हमारे पीछे दिख रहा होगा। गुस्सा से सारा काम कर रहे हैं हम, इसको कह रहे हैं कि मत कीजिए, हम एक ही बार तुम सारा काम नहीं कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए दूध उबाल रहे हैं, तो वहाँ पे ही तो खड़ा रहना ज़रूरी है, क्योंकि जैसे ही यहाँ से हटते हैं दूध उबल के गिर जाता है, फिर पोछने में भी टाइम लगता है। और इनको जो है ना पता है एक चीज़ बता रहे हैं, गंदगी देखा नहीं जाता है। अभी होता क्या है कि चारों तरफ मतलब हवा बह रही है ना, तो उसकी वजह से क्या होता है धूल धूल में आ जाता है, और पैर में चिपक चिपक के पूरा ना कच कच करते रहता है, तो इनको वो चीज़ पसंद नहीं है। तो हम बोले कि दूध गर्म करके झाड़ू लगा देते हैं, तो ये खुद से ही काम करने के लिए लग गए हैं। बाकी आप लोग बुरा मत मानिएगा, घर का काम जो है मिल बांट करके ही करना चाहिए। और इधर देखिए जैसे ही हम वीडियो बनाने लगे, इसका शूट करने लगे, बंद कर लिए, क्योंकि हम लोगों में पता है हमेशा मतलब 10 दिन में ना, अगर सोचे 2 दिन ही हम लोगों का लाइफ सही रहता है, और 8 दिन सोचे लड़ाई होते रहते हैं। पर ऐसा क्यों होता है आज तक हम लोग नहीं समझ पाए, क्योंकि हम भी बहुत ज़्यादा कोशिश की पता लगाने का, क्योंकि ना हम उनको पसंद है ना वो हमको, तो फिर भी पसंद नहीं, हम उनको बिल्कुल भी पसंद नहीं है क्या बताए। इसी की वजह से ना पूरा लड़ाई होती रहता है। अभी देखिए खोल के आ रहा है, लगता है कुछ बोलेंगे लेकिन नहीं बोलेंगे, क्योंकि जब जिस वीडियो को हम शुरू करते हैं ना, उस वीडियो में वो बिल्कुल भी नहीं बोलते। तुम स्कूल हो, तुम स्कूल जा रही हो कि तुम स्कूल हो? तो चलिए हस्बैंड जी से पूछते हैं कि इतना काम कर रहे हैं तो क्या चाहिए, करे सांप है क्या? अरे बाबा, अरे बाबा, ऐसे रखते हैं। देखिए तो हमको लगा है ना कि सांप है, हटाइए ना जी, बहुत ज्यादा डर लग रहा है, सांप है क्या सच में जी? नहीं जी, देखिए तो क्या है, सुगा ही देख सकते हैं, ये सांप की तरह लग रहा है ना, बाप रे, हटाइए ना जी, हमको बहुत ज्यादा डर लगता है। भागो डुगू, भागो 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 सांप है, भागो भागो। ओ बाप जी, यही काम करते हैं, बगल में झाड़ू लगा रहा है, हम सब चीज को नहीं देखते। हटाइए जल्दी घर, आप निकाले क्या वैसे आपको डराने के लिए? भागो डुगू, आप लगा देखा। अच्छा आपको चश्मा है इसलिए दिखता है। अच्छा बताइए चाय भी पीजिएगा? आप हमको इतना डर हुआ, पता है आपको हम आ रहे थे बोलने के लिए कि चाय बना दे, ऐसा दृश्य देखे सच में प्राण निकल जाएगा जी। देख करके पता है हम तो डर ही गए थे, और डुगू भी बहुत ज्यादा डर गई थी। फिर हम सोचे इतना घर में सांप कैसे आ सकता है, क्योंकि हम लोग तीसरे फ्लोर पे,
क्या है? डुगू को भी डर हो गया था इस में सांप है। बेल्ट किसका है? ये ना छोटा सा बेल्ट पता है डुगू का ही है। देखिए इसको बेल्ट करते हैं, आपको डर भी हो गया। ये सब चीज को रखिए अंदर, सफाई करते हैं, गिरा के इसे पसार देते हैं। आपको पता है हमको डराने के लिए रखे थे। आप पूरा घर का जो है देखिए झोल झरा रहा है, सफाई हो रहा है। इनको लगा था ना कि सच में जो है ना सेम सांप का नाम ले लिया ना, इनको बहुत ज्यादा डर हो गया। देखिए कैसे सब जगह पानी छिड़क रहे हैं। पानी इसीलिए नहीं छिड़क रहे, रुको चलो। बहुत ज्यादा डस्ट होता है, देख लीजिए हम लोग थोड़ा सा पानी छिड़के हुए। इतना डस्ट आता है वहाँ पे, देखिए कचरा ही कचरा है, कहीं कुछ आग करता है खराब हो जाता है। कचरा जल देखिए इतना धुआं धुआं आता है नहीं इधर। देखिए हमें सब जगह पानी दिए हैं, बाकी डुबू यहाँ से खराब होकर दिख रही है। चलो डुबू, सब जगह पानी पानी कर दिए और यहाँ पर गंदा ला के रख दिया। बाकी फिर से बेड लगाएंगे, अब हम लोग पूरा बेड हटा दिए हैं और यहाँ पे बन रहा है हमारा चाय। दूध तो वैसे गर्म हो गया है, देख सकते हैं आप लोग दूध गर्म हो गया। यहाँ पे चाय भी बन के तैयार है। अभी सारा झाड़ू लग गया है, अभी शाम का समय है। देखो मैथिली में कहावत है, बैठल बनिया की करे, एक कोठी का धान वही कोठी करे। वही आप होगा बताइए, अभी 4-5 बजे कोई पोछा मारता है क्या बताइए? अब धूल सिर्फ आपके लिए ही तो नहीं उड़ता है। इधर बेटी को देखिए, बेटी क्या कर रही है, क्या कर रही है देखिए। ये पानी लाला करके क्या कर रही है? तो अभी पोछा इसलिए लगा रहे हैं ना ताकि धूल उड़ता है। हम तो सोचे थे कि काहे ला पोछा लगा रहा है, इसको धूल पसंद नहीं है। जैसे हम भी मार सकते, लेकिन मम्मी लोग कहती है कि 4-5 बजे पोछा नहीं मारता है। इसको देखिए ना कितना समझाते हैं तो समझ में नहीं करते। मेरा बात का जो है ना 0% भी वैल्यू नहीं देते, कोई बात नहीं। सो अभी जो है हमारा चाय बन गया और हस्बैंड जी है मेरे साथ, क्योंकि आप देखते हैं कि उसके पीछे भी जो वीडियो बना रहे हो कुछ नहीं बोल रहे, तो जा रहे चाय देने के लिए लाइट। अगर गाली भी देंगे तो आप लोग भी तो देख ही जाएंगे। लीजिए जी चाय लीजिए, चाय लीजिए, रख दे कहाँ पर रख दे वहाँ रख दो ना, हम ले लेते हैं। देखिए कितना आई करते हैं अब बताइए। हम सोचे कि कम से कम हाथ में लेके उधर लेके पोछा लगाने की जगह उनको चाय दिए दे दिया, हम चाय पीते नहीं है। और इसको देखिए क्या कर रही है।